हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देवराड़ी पाठशाला। सो गाइस, टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सीएसआईआर नेट सेल बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 4। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी आपको 3 पार्ट करवा चुकी हूँ सेल बायोलॉजी के प्रीवाईक्यूज, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने देख लिए हों। आज जो है मैं पार्ट 4 करवा रही हूँ। इसमें मैं मेनली जो क्वेश्चंस है साइटोस्केलेटन से रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चंस, वैसे तो मिक्स क्वेश्चन होंगे बट साइटोस्केलेटन के क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं, जैसे माइक्रोट्यूबुल्स वगैरह से जो भी क्वेश्चंस आते हैं सेल बायोलॉजी से, वो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, सो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके नेट एग्जाम के लिए। वैसे तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल बायोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप लोगों से बात करूंगी मॉलिकुलर बायोलॉजी की। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मेरी, वो मॉलिकुलर बायोलॉजी पे आएगी। मैं मॉलिकुलर बायोलॉजी के पीवाईक्यूज जो कि 2023 जून 2023 में आए हैं, उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चंस हम कर चुके थे लास्ट पार्ट 3 में, कर चुके थे हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आपको पता है क्वेश्चंस कैसे करना है। पहले आपको खुद सॉल्व करना है, फिर मेरा जाके सोल्यूशन देखना है। तो आपको क्या करना है, जस्ट वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद क्वेश्चन को ट्राई करना है, देन मेरा सोल्यूशन देखना है। ठीक है, चलो गाइस, तो बढ़ते हैं आगे। सो ये क्वेश्चन है, ये सीएसआईआर नेट 2017 दिसंबर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, टू अंडरस्टैंड द माइक्रोट्यूबुल्स डिपेंडेंट। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर किसी स्टूडेंट को लगता है मैंने साइटोस्केलेटन नहीं पढ़ाया है, तो मैंने साइटोस्केलेटन पढ़ाया हुआ है इन डिटेल, जिसमें मैंने एक्टिन, माइक्रोट्यूबुल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। बट वो यूट्यूब पे नहीं है, वो अनअकैडमी पे है, फ्रीली अवेलेबल है। आप लोग अगर चाहो तो फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पे अनअकैडमी पे है। यूट्यूब पे मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन आफ्टर यूर दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन, उसके बाद मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो गाइस, तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टू अंडरस्टैंड द माइक्रोट्यूबुल डिपेंडेंट मोटर एक्टिविटी अ फ्रेशली प्योरीफाइड मोटर प्रोटीन्स फ्रॉम बिल्डिंग ईस्ट अ रिसर्चर सेट अप अ माइक्रोट्यूबुल बेस्ड ग्लाइडिंग एसे। एक रिसर्चर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइक्रोट्यूबुल बेस्ड ग्लाइडिंग एसे बनाया खुद से। ठीक है, और इन सच एसे वेयर माइक्रोट्यूबुल्स आर फ्लोरोसेंटली टैग्ड। और माइक्रोट्यूबुल्स उसमें क्या थे, फ्लोरोसेंटली टैग्ड थे, कौन से एंड में, प्लस एंड में। रिसर्चर ऑब्जर्व दैट दिस मोटर प्रोटीन मूव्स माइक्रोट्यूबुल्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस एंड। रिसर्चर ने क्या देखा कि जो मोटर प्रोटीन उन्होंने बनाए थे और उसमें जो माइक्रोट्यूबुल्स थे, वो मोटर प्रोटीन माइक्रोट्यूबुल्स को किस तरफ ले जा रहे हैं, प्लस एंड की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको फिगर में शो हो रहा है, जैसे आपको यहाँ पे फिगर दे रखा है, ये ग्लास कवर स्लिप है। ठीक है, यहाँ पर ये एंटीबॉडी है, ये मोटर प्रोटीन है और ये माइक्रोट्यूबुल्स है ऊपर, इसका माइनस एंड और इसका प्लस एंड। तो जो मोटर प्रोटीन है वो कहाँ को ले जा रहे हैं, माइक्रोट्यूबुल्स को प्लस एंड की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, ये दिखा है। तो आपको बताना है कि जो ये न्यूली आइडेंटिफाइड मोटर प्रोटीन है, जो कि साइंटिस्ट, जो रिसर्चर है, उन्होंने डिस्कवर किया है, ये क्या हो सकता है, ये डाइनिन हो सकता है, मायोसिन हो सकता है, काइनेसिन हो सकता है, या आइदर डाइनिन और काइनेसिन दोनों हो सकता है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भी माइक्रोट्यूबुल्स पढ़ा होगा मुझसे, या वैसे भी अगर किसी ने पढ़ा होगा, तो गाइस माइक्रोट्यूबुल्स में दो तरीके के आपको देखने को मिलते हैं, डाइनिन और काइनेसिन। माइक्रोट्यूबुल का हमारे दो एंड होते हैं, प्लस एंड और माइनस एंड। जो प्लस एंड डायरेक्टेड होता है उसे हम काइनेसिन बोलते हैं, जो माइनस एंड डायरेक्टेड होता है वो उसे हम डाइनिन बोलते हैं। ठीक है, यानी जो माइक्रोट्यूबुल को माइनस एंड की तरफ ले जाए, या माइक्रोट्यूबुल में कोई प्रोटीन जो है वो उसके थ्रू जो है वो माइनस एंड की तरफ ले जाए, तो वो डाइनिन होता है, और जो प्लस एंड की तरफ ले जाए उसे हम काइनेसिन बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो ये प्रोटीन है, मोटर प्रोटीन है, जो कि ले जा रहा है माइक्रोट्यूबुल्स को, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिक करके पूछा गया है, तो ये किसकी तरफ ले जा रहा है, प्लस एंड की तरफ। देखो यहाँ पे प्लस एंड की तरफ जो है ये डायरेक्टेड है। तो जो भी प्लस एंड डायरेक्टेड होता है वो मोटर प्रोटीन, किस टाइप के मोटर प्रोटीन कहते हैं हम उनको, हम उनको बोलते हैं काइनेसिन मोटर प्रोटीन। कैसे मोटर प्रोटीन बोलते हैं, काइनेसिन। इतना हमें क्लियर है, तो हमारा इसमें काइनेसिन सिर्फ एक ऑप्शन में है, दैट इज थर्ड वन, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाता। अगर यहाँ पर नेगेटिव एंड डायरेक्टेड होता, यानी नेगेटिव एंड की तरफ ले जाता माइक्रोट्यूबुल को, तो हमारा आंसर डाइनिन हो जाता। ठीक है, मायोसिन तो मसल प्रोटीन है, ये नहीं होता और दोनों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, काइनेसिन जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी पढ़ लेना, आगे आपको एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। इन एन अटेम्प्ट टू स्टडी द ट्रांसपोर्ट ऑफ सिक्रेटरी वेसाइकल कंटेनिंग इंसुलिन। ठीक है, एक स्टडी चल रही थी जहाँ पर कि क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ सिक्रेटरी वेसाइकल, सिक्रेटरी वेसाइकल का ट्रांसपोर्ट देखा जा रहा था, जिसमें क्या था, इंसुलिन था, अलॉन्ग विद माइक्रोट्यूबुल्स इन अ कल्चर ऑफ पैनक्रियाटिक सेल्स। ठीक है, हाउ वुड यू ट्रीट विथ
कोलेस्टिन अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसाइकल. ठीक है, तो सिंपल सा बात है, जो सिक्रेटरी वेसाइकल कहाँ से निकलती है, सिक्रेटरी वेसाइकल कहाँ से निकलती है, एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ से निकलती है, गोल्जी से. गोल्जी से दो तरीके की वेसाइकल निकलती है, सिक्रेटरी वेसाइकल और ट्रांसपोर्ट वेसाइकल. सिक्रेटरी वेसाइकल हम किसको बोलते हैं, जो कि सिक्रीट करता है, जैसे एंजाइम्स वगैरह ले जाना, जो कहाँ ले जाता है, सेल के बाहर ले जाता है, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, जो सेल के बाहर ले जाता है, जैसे एंजाइम्स वगैरह हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी वेसाइकल. ट्रांसपोर्ट वेसाइकल भी गोल्जी से निकलती है, और वो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल कौन सी होती है, जैसे लाइसोजोम में कोई प्रोटीन पहुंचाना हो, ठीक है, या पेरोक्सिसोम्स में पहुंचाना हो, या ईआर में पहुंचाना हो, कहीं भी किसी भी टारगेट मेम्ब्रेन में अगर कोई प्रोटीन पहुंचाना हो तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट वेसाइकल का यूज़ किया जाता है. लेकिन अगर कुछ चीज़ का सिक्रीशन किया जाता है, यानी आउटसाइड द सेल किसी चीज़ को फेंका जाता है, तो उससे उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्म सिक्रेटरी वेसाइकल. ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन क्लियर होनी चाहिए. आपको बेसिक बेसिक चीज़ें अगर क्लियर होगी तो सीएसआर बेसिक बेसिक चीज़ें ही पूछते हैं आपसे, ठीक है. तो सेल में क्या है, इंसुलिन है, ठीक है. तो अब इंसुलिन कब निकलता है हमारा, पेनक्रेटिक सेल्स हमारी रिलीज करती है ना इंसुलिन, जब हमारा ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाता है, उस टाइम पे इंसुलिन को भेजा जाता है, और इंसुलिन फिर अपना इफेक्ट से ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करता है. ये तो सबको पता होगा, है ना, सेल सिग्नलिंग में पड़ा होगा. अब हमने क्या कर दिया, माइक्रोट्यूब्यूल अब ले जाएंगे किससे, माइक्रोट्यूब्यूल से. अब सेल में मैंने आपको बताया था ऐसे ही तो ट्रांसपोर्ट होता नहीं है, किसके थ्रू ले जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू ले जाते हैं. कौन ले जाता है, मोटर प्रोटीन्स ले जाते हैं, ठीक है, जैसे डाइनिन हो गए, काइनेसिन हो गए. अब आपने क्या कर दिया, सेल को कॉल्सीमाइट से ट्रीट कर दिया, कॉल्सीमाइट से ट्रीट कर दिया, तो अब ट्रांसपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कॉल्सीमाइट का फंक्शन पता होना चाहिए. तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, पहले तो हम मैं आपको समझा देती हूँ क्या क्या कॉल्सीमाइट के फंक्शन है, और ये ड्रग इंपॉर्टेंट ड्रग है, आपसे दो नंबर के मार्क्स में क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है. तो ये माइक्रोट्यूबुल स्पेसिफिक ड्रग होते हैं, जैसे टेक्सोल हो गया. टेक्सोल क्या करता है, बाइंड एंड स्टेबलाइज माइक्रोट्यूबुल्स को बाइंड करता है, उनको स्टेबलाइज कर देता है, यानी कि उनको ना तो पॉलीमराइज होने देता है ना डीपॉलीमराइज होने देता है. नेक्स्ट आता है कॉल्सीचीन और कॉल्सीमाइड. कॉल्सीमाइड को अभी पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन में. कॉल्सीचीन और कॉल्सीमाइड क्या करते हैं, ट्यूबुलिन डाइमर से बाइंड करते हैं और प्रिवेंट करते हैं पॉलीमराइजेशन, यानी ये माइक्रोट्यूबुल को पॉलीमराइज नहीं होने देते हैं. माइक्रोट्यूबुल की बेसिक यूनिट क्या है, ट्यूबुलिन है, ठीक है, ट्यूबुलिन डाइमर है. नेक्स्ट है विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन, बाइंड ट्यूबुलिन डाइमर एंड प्रिवेंट देयर पॉलीमराइजेशन. इसका भी सेम फंक्शन है, ये पॉलीमराइजेशन से रोकते हैं, यानी पॉलीमराइज नहीं होने देते हैं माइक्रोट्यूबुल्स को. तो ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ड्रग जो है, ये सारे के सारे ड्रग जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट में, ह्यूमन कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि देखो कैंसरस सेल्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है ना. मतलब अब अगर हमने इन ड्रग्स से उनको ट्रीट कर दिया तो क्या होगा, माइक्रोट्यूबुल उनका डीस्टेबलाइज हो जाएगा, या माइक्रोट्यूबुल का पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाएगा. तो जिससे क्या होगा कि अब जो सेल है, अगर सेल कुछ ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएगी, कुछ इधर से उधर जा ही नहीं पाएगा, तो सेल की ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. इसीलिए इनको हम एंटीबायोटिक ड्रग या एंटी कैंसरस ड्रग भी हम इनको बोलते हैं, जो कि ह्यूमन कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. ये भी सब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है सीएसआर के लिए, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है. और स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए, और सीधे सीधे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है. तो वहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना. तो अब हमें कॉल्सीमाइट का फंक्शन पता चल गया कि ये पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता है. तो अब क्या होगा, कॉल्सीमाइन इंड्यूसेस पॉलीमराइजेशन. यहाँ पर क्या लिखा है, इंड्यूस कर रहा है, नहीं इंड्यूस नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, यानी बचा रहा है, पॉलीमराइज नहीं होने दे रहा है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल इज इनिबिटेड बाय कॉल्सीमाइड. बिल्कुल सही बात है, प्रिवेंट या इनिबिट कर रहा है कॉल्सीमाइड, विच इन टर्न वुड इनिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सिक्रेटरी वेसाइकल, जो कि क्या करेगा, सिक्रेटरी वेसाइकल के ट्रांसपोर्ट को भी रोक देगा. बिल्कुल सही बात है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कॉल्सीमाइड इनिबिट द वेसिकुलर ट्रैफिकिंग थ्रो इनएक्टिवेशन ऑफ वी सिनारे प्रोटीन. नहीं, वेसिकुलर ट्रैफिकिंग में कॉल्सीमाइड का कोई रोल नहीं है. कॉल्सीमाइड जो है वो सिर्फ माइक्रोट्यूबुल्स को ही इफेक्ट करते हैं, ठीक है. यहाँ पे वी सिनारे टी सिनारे दे रखा है, इनका इसमें कोई रोल प्ले नहीं होता है, ठीक है. चलो, तो इसी तरीके से आपको आंसर करना है, तो सेकेंड विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ये आपके रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है, CSIR NET 2023 जून शिफ्ट 2 में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको डायग्राम से समझना है चीज़ों को, ठीक है? तो पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। चलो, सो साइटोस्केलेटन डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन्स आर क्रिटिकल फॉर द मूवमेंट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल इन एनिमल सेल्स, ठीक है? एनिमल सेल्स में इनका बड़ा रोल प्ले होता है। इन फर्टिलाइज्ड एग ऑफ सी एलिगन वंस द पोलैरिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश द मैटरनल न्यूक्लियस माइग्रेट टूवर्ड्स द पैटर्नल न्यूक्लियस, ठीक है? जो फर्टिलाइज्ड सी एलिगन का एग होता है, जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, एक पोलैरिटी डेवलप होती है। यानी फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म आएगा, अपना न्यूक्लियस देगा, ठीक है? और क्या देगा, सेंट्रोल्स, पेयर ऑफ सेंट्रोल्स देता है, ठीक है? एग को क्या देता है, पेयर ऑफ सेंट्रोल्स एंड न्यूक्लियस देता है। तो अब क्या होगा, जो मैटरनल न्यूक्लियस है वो माइग्रेट करता है किसकी तरफ, पैटर्नल न्यूक्लियस की तरफ, तभी तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, राइट? विच इवेंचुअली लीड टू द फ्यूजन ऑफ 2 प्रो न्यूक्लियाई, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है डायग्राम। अगर आप लोगों को क्लियर हो तो ये देखो, यहाँ पे ये मैटरनल न्यूक्लियस दे रखा है आपको, ये पैटर्नल न्यूक्लियस दे रखा है। अब पैटर्नल के पास ही क्या होता है, सेंट्रोसोम होते हैं। सेंट्रोसोम से ही क्या निकलते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स निकलते हैं, ठीक है? ये माइक्रोट्यूबुल्स निकल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जो मैटरनल न्यूक्लियस है वो कहाँ जा रहा है, पैटर्नल न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। यानी इधर ये मैटरनल न्यूक्लियस है, ठीक है? तो ये इधर को मूव कर रहा है, फादर पैटर्नल की तरफ, ताकि ये फ्यूज़ हो जाए। अब आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, व्हाट मॉलिक्यूलर मोटर इज़ लाइकली टू बी डायरेक्टेड इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियर माइग्रेशन। कौन सा मोटर जो है, यानी मोटर प्रोटीन, कौन सा मोटर प्रोटीन यहाँ पे यूज़ हो रहा है जो है ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है? जो कि न्यूक्लियर माइग्रेशन करवा रहा है। किसका माइग्रेशन हो रहा है, पहले तो आपको ये देखना है किसका हो रहा है, मैटरनल न्यूक्लियस का हो रहा है। अब देखो गाइस, आपको यहाँ पे चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जैसे सेंट्रोसोम है, यहाँ पे ये पैटर्नल न्यूक्लियस है। जब सेंट्रोसोम से जब माइक्रोट्यूबुल्स निकल रहे हैं, ये निकलते कैसे हैं, ये एक्चुअली में इनका पॉलीमराइजेशन होता है। जैसे जैसे पॉलीमराइजेशन होता है, वैसे वैसे ये बड़े 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 हो जाते होने लग जाते हैं। तो ये तो हो गया इनका प्लस एंड, जो पॉलीमराइजिंग एंड होता है। और जहाँ पे ये पॉलीमराइज नहीं हो रहे हैं, उनको हम ऑटोमेटिकली नेगेटिव एंड बोल देते हैं। अब क्या हो रहा है, मैटरनल न्यूक्लियस को इसने पकड़ लिया, यहाँ पे पॉलीमराइजिंग एंड से पकड़ लिया है। अब ये किस तरफ मूव कर रहा है, इस एंड की तरफ मूव कर रहा है, यानी नेगेटिव एंड डायरेक्टेड है। नेगेटिव एंड डायरेक्टेड कौन सा मोटर प्रोटीन होता है, अभी मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, डाइनिन होता है। तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डाइनिन मोटर प्रोटीन आ जाएगा, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले खुद समझो कि हो क्या रहा है, ठीक है? जहाँ पे सेंट्रोसोम्स के ओरिजिन होता है, वहाँ पर हम एक्चुअली में हम नेगेटिव और पॉजिटिव एंड किस बेसिस पे देते हैं, पॉलीमराइजिंग। जो एंड फटाफट पॉलीमराइज हो रहा होगा उसको हम पॉजिटिव एंड बोल देते हैं, जो डीपॉलीमराइज हो रहा होता है उसे हम नेगेटिव एंड बोल देते हैं, ठीक है? तो जैसे अगर सेंट्रोसोम है, ये जैसे पेयर ऑफ सेंट्रोल्स है, इनसे जैसे माइक्रोट्यूबुल इस तरीके से निकलते हैं, तो ये क्या होता है, एक्चुअली में यहाँ पे फटाफट एक एक जो है वो जुड़ता रहता है, ऐसे ट्यूबुलिन डाइमर जुड़ते रहते हैं, ठीक है? जिससे कि हम इसे क्या बोलते हैं कि पॉलीमराइज हो रहा है, यानी ये प्लस एंड है। यही एंड अगर डिग्रेड होने लग जाए, यानी यहाँ पे डीपॉलीमराइज होने लग जाए, तो इसी को हम फिर नेगेटिव एंड भी बोल देते हैं, ठीक है? तो जैसे आपको ये मैंने आपको क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फिगर से, ये देखो, यह है सेंट्रोसोम आपका, ठीक है? और सेंट्रोसोम के से जो निकल रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्लस एंड डायरेक्टेड बोलते हैं, यानी ये पॉलीमराइजिंग एंड है, ये फटाफट पॉलीमराइज हो रहे हैं, इसीलिए हम इनको प्लस एंड बोलते हैं। यहाँ पर देखोगे आप, वेसिकल कैरीड बाय काइनेसिन, काइनेसिन अगर ले जा रहा है कोई चीज़ तो वो प्लस एंड की तरफ ले जा रहा है, तो हम बोलेंगे काइनेसिन है। अगर वही मोटर प्रोटीन जो है वो अंदर की तरफ मूव हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोल देंगे कि ये डाइनिन कैरी कर रहा है, और ये नेगेटिव एंड डायरेक्टेड है, क्योंकि पॉजिटिव एंड इधर हो गया, नेगेटिव एंड अंदर को हो गया। हमें क्या देखना था, जो मैटरनल न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव से अंदर की तरफ जा रहा है, यानी फादर की तरफ जा रहा है, और वहीं पर फ्यूज़ होगा, तो अंदर की तरफ उसे ले जाने में कौन से मोटर प्रोटीन काम कर रहे हैं, तो डाइनिन मोटर प्रोटीन उसे मदद कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा ही तो था, समझ गए ना सब लोग? ये देखो, मैटरनल एग अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है? यानी नेगेटिव एंड डायरेक्टेड है, तो कौन होगा, डाइनिन होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको आंसर सॉल्व करना है, ठीक है? अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड ब्लो इज अ पी टाइप आयन ट्रांसपोर्टर, आपको बताना है कि पी टाइप का आयन ट्रांसपोर्टर इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो पी टाइप का भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, आयन ट्रांसपोर्टर मैंने आपको अनअकैडमी पे डिटेल में पढ़ा रखे हैं, ठीक है। जो पी टाइप जो ट्रांसपोर्टर है, पी टाइप पंप है, ये जो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल है, ठीक है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे चार डिफरेंट टाइप का होता है, जिसमें से एक टाइप होता है हमारा पी टाइप पंप या पी क्लास पंप भी हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट एंड फंजाई, जिसमें ये हाइड्रोजन पंप की तरह काम करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ हायर यूकैरियोट्स में सोडियम पोटेशियम पंप बहुत ही फेमस पंप है। एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मैमिलियन स्टमक हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, ठीक है, जो हमारे स्टमक में होते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, जिससे कि हमारी हमारे जो स्टमक है उसका पीएच इतना लो होता है, क्योंकि हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हाई होती है, दैट्स वाई हमारा पीएच बहुत लो होता है स्टमक का, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो भी हम खाने के साथ जो भी हमने बैक्टीरिया फंगस वगैरह वायरसेस वगैरह जो भी इंगल्फ किए हैं वो मर सकें उस एसिडिक नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे कैल्शियम पंप हो गया, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल्स कैल्शियम पंप हो गया, ठीक है। तो ये सारे पंप जो है किसके अंदर आते हैं, पी क्लास पंप के अंदर आते हैं, ठीक है। पी से क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फॉस्फोराइलेशन से ये पंप एक्टिवेट होता है, पहले ये एटीपी से, ऑब्वियसली बात है एटीपी से ही एक्टिवेट होता है। एटीपी में जब एक फॉस्फोराइलेशन, जब इस पे इसके एंड में एक फॉस्फोरस जुड़ता है तभी ये पंप एक्टिवेट होता है, दैट्स वाई हम इसको पी टाइप पंप भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतना डिटेल मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, मैग्नीशियम आयरन नहीं होगा, ये भी मैग्नीशियम आयरन है, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं होगा, कौन सा होगा, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एंड हाइड्रोजन पंप। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल मेंटेन अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोन इनसाइड द लाइसोजोम बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ लाइसोजोम के अंदर जो प्रोटोन की हाई कंसंट्रेशन है वो किसकी वजह से होती है, ठीक है। जैसे ये मेरा लाइसोजोम है, इसको मैं लाइसोजोम कर देती हूँ, ये हमारा साइटोसोल है, ठीक है, इस इज साइटोसोल, ठीक है, और ये लाइसोजोम है, ठीक है। तो साइटोसोल का पीएच कितना होता है, 7.2 के अराउंड होता है, और लाइसोजोम का पीएच कितना होता है, 5 या 5.5 के अराउंड, ठीक है, तो अराउंड 5 कर देती हूँ मैं इसका पीएच। तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, देखो गाइस, जब भी डिफरेंस आता है चार्ज में, यहाँ पे देखो पीएच में चेंज है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन लो होगी और यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हाई होगी। तो पहले जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो अनइक्वल जब भी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिले, तो हमेशा ध्यान रखना उस टाइम पे हमेशा पंप यूज़ होंगे, ठीक है। जैसे एटीपी एक्टिवेटेड पंप, यानी यहाँ पे एटीपी खर्च होगी, क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमें हाइड्रोजन को भेजना है, ठीक है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी चाहिए, यानी हाइड्रोजन को हमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन भेजना है। यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है, फिर भी हम उसे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन भेज रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एक तो होगा एटीपी पावर्ड होगा, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे हमेशा, क्योंकि पीएच को मेंटेन करना है 5.5 के अराउंड, तो हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन साइटोसोल से अंदर की तरफ जाएगा, यानी लाइसोजोम की तरफ जाएगा, साइटोसोल से बाहर की तरफ मैं कह सकती हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, एंटीपोटर यहाँ पे काम करेगा, नहीं करेगा एंटीपोटर। एटीपी पावर्ड पंप इन द लाइसोसोम मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, एटीपी पावर्ड पंप जो है यहाँ पर काम करेंगे। नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत इजी था, क्योंकि डिफ्यूजन का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं आता है। डिफ्यूजन कब होता है, जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लो से हाई की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो पहले खुद इमेजिन करो कि क्या चीज़ हो रही है, और लो से हाई जा रहा है तो हमेशा उसके लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। बिना एटीपी के कोई भी चीज़ लो से हाई, आपने अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिना एटीपी के कोई भी चीज़ नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखोगे तो आप इजीली जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये देखो, आपको इन टाइप के पंप को हम क्या बोलते हैं, वी क्लास पंप बोलते हैं, प्रोटोन पंप, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वी क्लास पंप कहाँ पाया जाता है और इसका रोल क्या है। तो वी क्लास पंप हमेशा जो है साइटोसोल से हाइड्रोजन को दूर की तरफ फेंकेंगे, या तो साइटोसोल से बाहर फेंकेंगे, या साइटोसोल से लाइसोसोम में फेंकेंगे, या कोई भी ऑर्गेनेल के अंदर फेंकेंगे। यानी साइटोसोल से जब दूर हाइड्रोजन जो फेंकता है उसे हम बोलते हैं वी क्लास के पंप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एटीपी यूज़ होती है, ठीक है, ये काम करने के लिए, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपको करना है, बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन जो है 2019 दिसंबर में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन
क्या है, ड्रॉन बिलो इन एन इंटेस्टाइनल इपिथीलियल सेल्स ICE परफॉर्मिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स फ्रॉम द डाइट्री कार्बोहाइड्रेट इंजेशन. ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो इंटेस्टाइनल इपिथीलियल का यहाँ पर डायग्राम दे रखा है जो कि मोनोसेक्राइड जो डाइजेस्ट हो चुके हैं उनको ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है, और हमारे फूड से जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड है. तो यहाँ पर आपको कुछ फिगर दे रखा है, हमें क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टर ABC इन द फिगर एंड द ट्रांसपोर्टेड मोनोसेक्राइड इज करेक्ट. ठीक है, तो आपको करेक्ट चीज़ें बतानी है कि कौन सा ट्रांसपोर्टर किस मोनोसेक्राइड को जो है वो ले जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखो ये क्या है, ये माइक्रोविलाइज है. ठीक है, माइक्रोविलाई है, यहाँ पर आपका फूड होगा. इमेजिन करो कि ये आपका इंटेस्टाइन है. ठीक है, और यहाँ पर आपका फूड है जो कि इंटेस्टाइन में हमारा लगभग सारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है. ठीक है, और इंटेस्टाइन में उसके बाद एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन आता है, तो डाइजेस्टेड फूड उसके बाद माइक्रोविलाई के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, तो अब डाइजेशन कैसे कैसे में होगा, फ्रुक्टोज भी बना होगा और ग्लूकोज भी बना होगा. फ्रुक्टोज को कौन ले जाता है, तो ए वाला ए में कौन आएगा, फ्रुक्टोज में, फ्रुक्टोज का एब्जॉर्प्शन कौन कराता है, तो GLUT5 कराता है. GLUT5 सिर्फ एक में है, तो फ्रुक्टोज का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, GLUT5. ठीक है, नेक्स्ट है ग्लूकोज, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है. अब यहाँ पे जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है. देखो ये फ्रुक्टोज का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये GLUT5 से हो रहा है. GLUT5 क्या है, GLUT5 जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है. ठीक है, ये सिंपली जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है. ठीक है, और जो SGLT1 है ये क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. ये क्या हो रहा है यहाँ पे, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पर ये क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है यानी एनर्जी लग रही है, यहाँ पर भी एनर्जी लगती है. लेकिन कैसे लगती है, जो सोडियम है हमारा वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आता है, यानी इस सोडियम का यहाँ लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. यहाँ से ये लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ आता है जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का यूज़ करके ग्लूकोज जो है वो अंदर आ जाता है. तो जिसके थ्रू आता है इस बी को क्या बोलते हैं हम, SGLT1 सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1. ठीक है, तो SGLT1 के थ्रू जो है ग्लूकोज हमारा ऑब्जर्व होता है और ये आता है इस वाले में, इस वाले पोर्शन में, ICE यानी इंटेस्टिनल इपिथीलियल सेल्स के अंदर आता है. अब इंटेस्टिनल इपिथीलियल सेल से अब कहाँ जाना है, ब्लड में, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी. ठीक है, अब ब्लड ऑब्जर्व तो ब्लड में होगा ना, ब्लड से ही तो हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ऐसा थोड़ी कि इंटेस्टाइन के सेल में चला गया तो हो गया, नहीं, वहाँ से कहाँ जाएगा, हमारी ब्लड वेन्स में जाएगा जिससे कि पूरी बॉडी में हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो अब ब्लड में जाने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टर यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, GLUT2 का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो GLUT2 भी क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो ग्लूकोज यहाँ पे मूव करता है. ठीक है, तो यहाँ पे फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों के दोनों GLUT2 ट्रांसपोर्टर की मदद से ब्लड में ऑब्जर्व होता है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको जो है वो ध्यान रखना है. बाकी डिटेलिंग में मैंने पढ़ा रखा है, बहुत डिटेलिंग है मैंने पढ़ा रखा है, तो मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना चाहूँगी. ठीक है, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, बाकी आपको ये मेमोराइज कर लेना अच्छे से, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो ये सेल साइकिल से क्वेश्चन है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. ड्यूरिंग सेल साइकिल द एंट्री ऑफ एस फेज टाइटली रेगुलेटेड, दिस इज पॉसिबल बिकॉज. ठीक है, तो आपको जो है क्या पूछा गया है, सेल साइकिल के बारे में पूछा गया है कि जो एंट्री जो होती है एस फेज में वो बहुत ही टाइटली रेगुलेटेड होती है, ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या होता है, आपको ये बताना है. ठीक है, हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है. तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, जो APCC प्रमोट्स करता है यूबिक्यूटिनाइजेशन ऑफ एस फेज साइक्लिन एंड माइटोटिक साइक्लिन मेकिंग देम फ्रॉम प्रोटीलेटेड एट द माइटोटिक एग्जिट. जो APCC है ये क्या है, एक यूबिक्यूटिन लाइगेज प्रोटीन है जिसका काम क्या है कि प्रोटीन का डिग्रेडेशन करना. अब ये क्या करता है, क्योंकि माइटोसिस तक एस फेज के साइक्लिन्स तो एक्टिवेट होते हैं, साथ में साथ माइटोटिक साइक्लिन जैसे कि साइक्लिन B1 हो गया ये भी एक्टिव रहता है. तो ये क्या करता है, इनको माइटोटिक से एग्जिट लेने से पहले ही हटा देता है, ताकि जैसे ही अगर माइटोटिक में ही अगर एम फेज में ही अगर ये मर गए तो जैसे ही G1 फेज आएगा तो G1 फेज में ये एक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर एस फेज के साइक्लिन यहाँ पर एक्टिव हो गए तो इन्होंने तुरंत क्या कर देना है, DNA रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देना है. ठीक है, तो DNA रेप्लिकेशन कहाँ होनी चाहिए, एस फेज में होनी चाहिए. ठीक है, तो दैट्स वाई माइटोटिक साइकिल में ही यानी माइटोसिस में ही
एपीसी क्या कर देता है, एस फेस साइक्लिंस को डिग्रेड कर देता है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट और दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट है साइक्लिन बी वन हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ एस फेस साइक्लिन सी डी के ओनली इन द लेट जी वन फेज. अब यहाँ पे देखो कितना अपोजिट स्टेटमेंट लिखा हुआ है. जो साइक्लिन बी वन है यही तो माइटोटिक साइक्लिन है और इसी को कौन डिग्रेड कर देता है, ए पी सी सी कर देता है. तो ये इसको माइटोसिस में ही डिग्रेड कर देता है, तो जी वन फेज में तो ये आ ही नहीं पाता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है एज माइटोटिक सी डी के एक्टिविटी डिक्लाइन इन द लेट माइटोसिस. ठीक है, माइटोटिक सी डी की एक्टिविटी जो है डिक्लाइन हो जाती है लेट माइटोसिस में. क्यों? क्योंकि साइक्लिन बी जो है वो उसका साइक्लिक पार्टनर जो है वो डिग्रेड कर दिया जाता है किसके थ्रू, ए पी सी सी के थ्रू. सो सी डी सी 14 फॉस्फोटेज एक्टिवेट ए पी सी सी बाई डी फॉस्फोराइलेटिंग ऑफ सी डी एच वन दस प्रमोटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए पी सी सी डी एच वन. ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो सी डी सी 14 फॉस्फेट होता है वो एक्टिवेट करता है ए पी सी सी को बाई डी फॉस्फोराइलेशन ऑफ सी डी एच वन और किसका फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, ए पी सी सी डी एच वन के फॉर्मेशन को. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट है सिक्योरिन कीप्स एस फेस साइक्लिन इन इनएक्टिव स्टेट टिल जीवन फेज. अब सिक्योरिन कहाँ काम आता है गाइस, सिक्योरिन क्या करता है, क्रोमोसोम को दो सिस्टर क्रोमोसोम्स को बीच से बाइंड, इस तरीके से बाइंड करने का काम करता है. सिक्योरिन को कौन डिग्रेड करता है, ए पी सी सी कर देता है इन मेटाफेज. जब मेटाफेज से एनाफेज ट्रांजिशन होता है उसी टाइम पे इसको काट दिया जाता है ना, सिक्योरिन को मार दिया जाता है और जो है ये दोनों जो है वो अलग हो जाते हैं. सेपरेज के थ्रू सिक्योरिन को किल किया जाता है और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं इन एनाफेज में. ठीक है, तो ये एस फेज साइक्लिंस तक तो रहता ही नहीं है, जीवन फेज तक तो रहता ही नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सा हो गया, ए एंड सी जो है हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो गया. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है. यहाँ पर आपको फिगर के थ्रू भी बता रखा है ये ए पी सी सी डी सी 20 के साथ में एक तो यूबिक्यूटिनाइजेशन करता है साइक्लिन बी का. ठीक है, और दूसरा इसका काम है जो है सिक्योरिन का डिग्रेडेशन करना है. सेपरेज को एक्टिवेट कर देता है, सेपरेज एक्टिव हो जाएगा तो ये सिक्योरिन को डिग्रेड कर देगा और सिक्योरिन के डिग्रेडेट से हमारे जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अपार्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग एनाफेज. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है. तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गाइस, हमारा सेकंड वन विल बी द राइट आंसर. ठीक है, तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. किसी को अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगी. ठीक है, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉलिकुलर बायोलॉजी के 2023 के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, 2023 के जून के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी. ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना. ठीक है, चलो गाइस, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.